मैं इमोशनल हो गई थी, फिर थोड़ा सा सब चीज़ें हैंडल करनी करनी मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम। नहीं, सुबह के साथ नहीं, उम्मीदों के साथ आपके बहन ही दफ्तर हाजिर है। और सुबह हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक नई सुबह दिखाई है। और शुरू करते हैं आज का दिन। ये जनाब ज़रा धूप चेक करें, और इस धूप में आज बैठा नहीं जा रहा, इतना इतनी तेज़ धूप है। तो रात को हमारे पहले बड़ा वाला सिलेंडर तो पहले ही ख़त्म था, और आज छोटे वाला भी ख़त्म हो गया, और ये जनाबों में से कोई उठ ही नहीं रहा कि जाके सिलेंडर भरवा के लाएं। अभी देखते हैं, सुबह के हो गए 10, अम्मी को भूख लगी हुई है, इनको उठाती हूँ, नाश्ता बना बनाया लेके आएंगे, क्योंकि सिलेंडर लाने में बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रात को ये ख़त्म हो गया था, रात को भी फिर हमने रोटियां मंगवा ली थी, आधी जाके ले आया था। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। ये जनाब की है मैंने जुगाड़, वाह वाह, देखिए मैं आपको बताती हूँ अपनी जुगाड़ मैंने क्या की है। ये मैंने सिलेंडर के पास लगाया हीटर, तो वो जो बचा हुआ सिलेंडर है, गैस है, वो जल रहा है। जैसा बाइक भी आती कि उस दिन ख़राब हो गई थी, उसका टायर पंचर हो गया था, और टायर पंचर में कह रहा था ट्यूब पूरी फट गई है, तो उसका भी बड़ा काम है। तो बाइक भी नहीं है इसके, अभी भागता बाइक पे जाके भरवा के ले आता। फिर मैंने कहा चलो ये जुगाड़ करते हैं, चाय बन जाए, ब्रेड मंगवा के, या वो रात की भी रोटियां दो पड़ी हुई हैं वो उनके वो खा के, और फिलहाल बाद में फिर जाके बाइक भी ले आएगा और छोटा सिलेंडर भरवा लाएगा। चूँकि अगर हमने शिफ्ट करना है तो हमने बड़ा तो भरवाना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर गैस है। छोटा भी सब तब साथ रखेंगे कि जितबाजी रहती हैं, पहले तो नहीं होती थी, अब गैस की शॉर्टेज होती है, तो छोटा साथ रख लेंगे। तो अभी चाय बना रहे हैं, आधी गया ब्रेड लेने, और मैं तो खाऊंगी थी ये रात की जो बची हुई रोटियाँ, ये खाऊंगी, जो सब्ज़ी ओवन में गर्म कर लूँगी उसके साथ। कहते हैं रात की बची हुई रोटियाँ होना, उस पर शहद डाल के खाओ दिमाग तेज़ होता है, तो मुझे तो वैसे दिमाग की ज़रूरत है, इतना कमज़ोर दिमाग हो गया, मैं इतना चीज़ें भूलती हूँ जिसकी कोई याद ही नहीं है, तो मुझे तो तेज़ दिमाग की ज़रूरत है, तो मैं रात की बची हुई रोटियाँ खाऊँगी। और ये जनाब उठ के हैं, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। माँ से दिखे, माँ से दिखे, आ जाओ। ये देखें इसके करतूत देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी अब तो समर। ये क्या किया आपने, चीनी क्यों गिराई है? हाँ ये क्या किया है, मैं आपसे नाराज हूं, पक्की वाली नाराज हूं। जाओ जाओ जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं तो बच्चों के पास नहीं जा रहा। जाओ बच्चों के पास, मामा नाराज है आपसे। मैं नहीं जा रहा ना। मामा आपसे नाराज है, पक्की नाराज है मामा। आपको कितने मना किया है, आपको कितने मना किया, ना किया करो, आप क्यों करते हो तंग मामा को? क्यों आप तंग करते हो, कितनी चीनी आपने जाया की अब समझ। चीनी जाए अलग, चूंटियां जो आएंगी अलग। मैं आपसे पक्की नाराज हूं, सॉरी ना। और जो मुझे पता आपका सॉरी, मैंने नहीं कोई सॉरी शोरी, जाओ मैंने नहीं बात करनी आपसे, जाओ। बात तो करनी पड़ेगी। नहीं करती आपसे बात, आपसे नाराज हूँ, नाराज। बात तो करनी पड़ेगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मामा करेगी। नहीं करती। करनी पड़ेगी तुमको। नहीं करती। करनी पड़ेगी। नाराज हूँ, नाराज हूँ आपसे। नहीं अब किसियां शिसियां करके राजी नहीं करना दे। किसियां नहीं, आप किसियां करनी तो पड़ेगी। नहीं आप मस्के ना लगाया करो ना, मक्खन ना लगाया करो। ओ किकी क्या कर रही हो, ये इस किकी की बच्ची को काली खराब कर रही है, हटो जाओ।
नहीं जा रहा ना। मैं नाराज हूँ ना आपसे, हटो। मैं नाराज नहीं, खत्म नहीं। मामा नाराज है आपसे। नहीं ना, नहीं करता। झूठे हो आप, झूठे। नहीं करता फिर भी आप करते हो, कहते हो बस नहीं करता। अच्छा 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 ना, राजी हो जाते। अच्छा अच्छा राजी होगी, अच्छा 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 राजी होगी। मैं राजी हो गई, मैं राजी। मैं तो नहीं नाराज हूँ अपने बेटे से, मैं अपने बेटे से नहीं नाराज हूँ। मेरा बेटा है, मेरा शहजादा। क्यों बची नहीं ना फेंका को, गंदा क्या चीज फेंकते हो, तंग होती है ना मामा। मामा जी क्या फेंक रहे हो? चीनी फेंकी थी ना आपने। कौन सी चीनी? ये जो रखी थी ऊपर टेबल पे। मैंने नहीं फेंकी थी अब टेबल पे। किसने फेंकी? बच्चों ने। झूठे झूठे झूठे, बहुत चलाक हो। सैनी ने फेंकी उन्होंने। अच्छा सैनी को मारूं? दी। अच्छा मैं अब सियानी को मारूंगी। सियानी ने फेंकी, मेरे बेटे ने नहीं फेंकी। मेरा बेटा तो नहीं फेंकता, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये जनाब आ गया हमारा खाना, सब्जी चटनी दही रोटी। आहा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग सर। इसका बीच में गुड मॉर्निंग भी निकल आता है। गुड मॉर्निंग सर। बन रही है जी चाय, मेरी बच्चियों ने पीनी थी माँ के हाथ की चाय। तो माँ ने कहा चले बना देते हैं चाय, और अभी खाना खाया है। 5 बजे हमने दिन का खाना खाया है। गैस आपको पता था ख़त्म हो गया, गैस वगैरह लाया है। फिर हमने फिर बाज़ार के नान मंगाए, सब्ज़ी पकाई, और अभी 5 बजे हमने खाना खाया है। और बस अभी चाय, बच्चों का दिल कर रहा था सुबह से, सही था हमने चाय पीनी। वो सुबह मैंने बनाई तो थी, लेकिन वो कोई मज़े की चाय नहीं थी, मुश्किल से बनी थी। तो बस अभी बच्चे कहते हैं कि चाय बना दे, मैंने कहा चलो, बच्चों ने इतने अरसे बाद अपनी माँ से कोई फरमाइश की है तो चाय बना देते हैं। है तो दूध तो कम था, पानी ज़्यादा डाला, लेकिन यह चले जैसी भी है, ममता का टेस्ट तो आ ही जाएगा। ये शहजादियाँ मेरी जा रही हैं ट्रीट खाने अपने कज़न के साथ, और बेचारी माँ भाई पीछे से खाएं खुशक रोटी जो मर्जी खाएं, इन्होंने खानी है ट्रीट। हमारा ख्याल किसको आता है? गरीब माँ का ख्याल किसी को भी नहीं आता। सबको आजकल नफ्सो नफ्सी का दौर है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी का ख्याल नहीं है कि माँ का भी दिल करता होगा होल्डिंग करने का, इधर उधर जाने का। दोनों बैठी हुई है इंतजार में, और इनके कजन अभी तक आए नहीं है। मुझे गुस्से है, 2 घंटे हो गए इनको तैयार होके बैठे हुए, पर अभी तक उनके कजन आए नहीं है। दिल में ठंड पड़ी है मेरे जनाब। है सारे फालतू कपड़े हैं जो मैंने बनाने हैं, तकिए और गोल तकिए बनाने हैं इनके, और ये हैं शादी वगैरह वाले कपड़े जो पीसेस वगैरह बच्चों के लिए बनाए नहीं। किसी ने दुपट्टे दिए तो वो दुपट्टे पड़े हुए बस वो रखे, उनके साथ सूट वगैरह लेने थे बस इस तरह। और ये पंड है गर्मियों के कपड़ों की हमारी, मेरी और अब्दुल समद की। मैंने इस तरह पंड बना के ऊपर अलमारी में रखी थी, और अभी ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। अभी काम स्टार्ट किया है तो अब जो समझ, अब बाबा ये कह रहा मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ, वापस आ जाओ, तो बीच में काम नहीं करने दे रहा। बहनें भी उसकी चली गई हैं, तो सुबह अब देखती हूँ। बाकी अभी अम्मी के पास सो जाती हूँ, चूँकि इस कमरे में तो मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा निकाले और समझ भी नहीं आ रही क्या किया जाए क्या रखा जाए। अब जैसे शादियों के फैंसी सूट हैं जो अभी यूज़ में नहीं आएंगे वो पहले संभाल के रख दूँ, और फिर जो आम पहने वाले वो आखिर पर रखूँगी, और फिर देखती हूँ। अब हमारा सामान इतना ज़्यादा है 2 कमरों में, ये सामान कैसे आएगा देखते हैं। कुछ बेड वगैरह कोशिश कर रही हूँ सेल हो जाएँ, और 2 बेड जो हैं मेरे वो मैं क्या कोशिश करके सेल करवा रही हूँ। और ये जो सोफ़ा है
ये भी अभी मेरा दिल है, ये भी सेल कर दूँ। है तो ये छोटा पिट्टू सा सोफ़ा, लेकिन इसकी गद्दियाँ बड़ी ख़राब हुई हुई हैं, तो मैं भी ये भी सेल करना पड़े। तो बस चीज़ें देखती हूँ कौन कौन सी चीज़ें सेल होती हैं, कौन सी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें इतनी नहीं हैं, ये बेड वगैरह ही ज़्यादा थे, क्योंकि अम्मी का अलग था, अब दो तीन हमारे थे, एक अम्मी वगैरह का था, दो हमारे थे, फिर इस तरह करते करते बेड्स हो के, तो अब इतना सामान को क्या करूँगी। तो बस मैंने सोचा दो बेड और ये सोफ़ा सेल कर दूँगी, बाकी फिर जो बचेगा एक बेड है, क्योंकि अभी जिस घर में शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर अभी पहले बाजी का कुछ सामान पड़ा भी हुआ, तो वो कह रही थी कि मेरा सामान भी है, फिर मैंने कहा हम यही कर सकते हैं कि बेड वगैरह सेल कर दें और जो बाकी चीज़ें हैं वो किसी तरह मैनेज कर लें। तो कोशिश करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और अभी जाती हूँ अब्दुलसमद को सलाती हूँ, फिर खुद नमाज भी पढ़नी है, नमाज पढ़ती हूँ, अब्दुलसमद को सलाती हूँ, बाकी सुबह ही देखूँगी सारे काम। चल कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बहन को दुआ में याद रखिएगा, आजकल आपकी ये बहन बहुत परेशान है, कल भी मैं इमोशनल हो गई थी, फिर थोड़ा सा सब चीज़ें हैंडल करनी मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है, तो ऐसे में बंदा इमोशनल हो जाता है। तो बाकी रही आपका साथ चाहिए, इस बहन को दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।